बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 42 का बी पार्ट ले रहे हैं। ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलवा थ्योरी की हमने ये थ्योरम पढ़ी थी। इसके अंदर ए पार्ट में हमने प्रूव करना है, एक वर्ड सुन लो, फर्दर मोर फॉर एनी सब फील्ड ऑफ ई कंटेनिंग के सब फील्ड के ऑफ ई कंटेनिंग एफ। तो ये के जो जितनी भी आगे थ्योरम्स आएंगी उसके अंदर ये एक पार्ट्स आएंगे उसके अंदर ये मान के चलना है के सब फील्ड ऑफ ई कंटेनिंग एफ। तो पहले पार्ट में शो करना है, शो दैट गैलवा ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम ई टू ई सच दैट ई एच इज फिक्स इज इक्वल टू एच वेयर ई एच इज फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच। ये प्रूफ करेंगे हम सबसे पहले। ये प्रूफ आपने पहले ऑलरेडी कर चुके हो, देखिए लेट एच इज बिलोंग्स टू जी, एच बिलोंग्स टू जी। तो व्हाट इज एच, ध्यान से देखो, एच जो जी के एलिमेंट हैं हमने बताया था वो क्या हैं, सब ग्रुप्स। ये क्या था, सेट ऑफ ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ दिस ग्रुप, उनमें से जी में से एक एलिमेंट उठाया आपने एच। ये जो ग्रुप है ये ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप है। तो सिग्मा बी एनी आट, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एनी ऑटोमॉर्फिज्म इन एच, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है एच में, ओके। सिग्मा बी एनी ऑटोमॉर्फिज्म इन एच, आपको ई एच क्या दे रखी है, यहां पे ई एच इज फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग ये है कि ये जो सिग्मा है फिक्सेस एवरी एलिमेंट ऑफ इन दिस फिक्स्ड फील्ड, यानी कि ये सिग्मा इस फील्ड के प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स करेगा। ये सिग्मा इस फील्ड के प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस फिक्स फील्ड। ये फिक्स फील्ड किसकी, एच की। अब इस बात का क्या मतलब लग सकता है, बहुत अर्जेंट मतलब, थीटा क्या था, थीटा क्या था उसकी बात करता हूं। थीटा एक मैपिंग थी यहां से यहां तक, सच दैट थीटा ऑफ के हमारे पास ये आता था, हमारे पास थीटा ऑफ के ये आता था। इसका मतलब क्या था, इसका बहुत सिंपल मतलब है कि इसके अंदर वो ऑटोमॉर्फिज्म आनी है जो गैलवा ग्रुप ई एफ में हो और के प्रत्येक के का प्रत्येक एलिमेंट इस को क्या करे, फिक्स करे, के प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स करे। ये सिग्मा क्या कर रही है, ये इसके प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स कर रही है।
इसके प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स कर रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके प्रत्येक एलिमेंट को फिक्स कर रही है, इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगी? केक, देखो ये केक को फिक्स करे थे यहाँ क्या? दिस बिलोंग्स टू गैलुआ ई एच। देखिए ये जो डेफिनेशन है ये कहती है कि के एलिमेंट्स को फिक्स करे, ये किसको फिक्स कर रही है? ई एच, तो ये इसमें बिलोंग कर रही। और यदि थीटा की डेफिनेशन देखें तो ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू थीटा ई एच। तो अल्टीमेटली हमें ये मिल गया, यहां तक हमें क्लियर हो जाना चाहिए। ये किसका एलिमेंट था? ये H का आर्बिट्रेरी ऑटोमॉर्फिज्म थी। तो इसका मतलब H इज सबसेट ऑफ थीटा ई एच। बट हमारा टारगेट है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना। ऐसा सभी H के लिए हो सकता है, क्योंकि हमने ये आर्बिट्रेरी H लिया था। अब एक हम कंसेप्ट यूज करना चाह रहे हैं, कंसेप्ट यूज्ड हियर क्या यूज करेंगे? यदि G गैलवा ग्रुप है E से F तक, इफ H इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, यदि H इसका प्रॉपर सब ग्रुप है G का, देन फिक्स्ड फील्ड ऑफ H प्रॉपरली कंटेन्स F। क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है यहां पे? वर्ड सुन लीजिए। देखो यदि कोई हम इसका प्रॉपर सब ग्रुप ले लेते हैं, क्या लेते हैं? इफ यू आर अज्यूमिंग इट्स प्रॉपर सब ग्रुप, तो उसकी जो फिक्स फील्ड होगी प्रॉपरली कंटेन्स F, तो F को प्रॉपरली कंटेन करेगी। अब इसका मीनिंग लगाते हैं हम, इस कंसेप्ट को जर्नलाइज बेस में लिखते हैं। जी को यदि मैं ये मान लेता हूं, इस F की जगह पर आपने EH ले लिया है, इफ K इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, यदि K इसका प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G होगा, देन फिक्स फील्ड ऑफ K properly contains F, तो fixed field of K properly contains करेगी F, F की बजाय यहां पर word आएगा जी EH। इस meaning को हम अब इस question पे discuss करेंगे। आपने prove करना है इसको equal, हमने कह दिया if possible H इज नॉट, ये प्रॉपर सबसेट है, हमें इसको कंट्राडिक्शन प्रूव कर देना है। ठीक है, और ये किसके इक्वल था? इसके इक्वल था। वेरी गुड। देन ये जो चीज मैंने कहा ना ई एच, यहां पर वर्ड क्या लिया है? के। के इज द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, देन फिक्स फील्ड ऑफ के इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ई एच। इस बात को हम कैसे लिखें?
देखिए अब हम इस बात, ये जो के है ना, के को हमने ले लिया एच, देन एच इज किसमें कंटेन हो गया जी, ये जी है, इसको हमने जी ले रखा है यहां पे, ठीक है। एच इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, जी मीन्स दिस, एच इसका प्रॉपर सब ग्रुप है, तो क्या होगा, फिक्स फील्ड ऑफ एच, देन फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच जो कि ई एच होगी, क्या करना चाहिए, प्रॉपरली कंटेन्स ई एच, ये कंट्राडिक्शन होगी भाई, प्रॉपरली कंटेन नहीं करेगी भाई, ये क्लियर है, क्योंकि ई एच इज इक्वल टू ई एच विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो हमें क्या मिल गया कि थीटा ऑफ ई एच एच के इक्वल होगा, ये देखो हमने यहां कहा था ये प्रॉपर ये सबसेट होगा, यहां कह रहे थे प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट, इसको हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, इसका उत्तर होता है गैलवा ऑफ ई फिक्स फील्ड ई एच इज इक्वल टू एच, इसे आप फर्स्ट बोल सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ई गैलवा ई जी इज इक्वल टू जी, ये प्रूव करना है। पहले पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था, ये लाइन, ये ध्यान रखना, ये लाइन आपको याद है तो हो जाएगा, ये लाइन याद नहीं है तो आपके लिए दिक्कत होगी। अब हमें इसमें इस कंसेप्ट को याद करना है, ये जो वर्ड दे रखा है ई इज ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ओवर एफ। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड पॉइंट, जी हमने लिया, अब जी यहां पर हमने एक सब फील्ड ली है, अब नाम कुछ और दे सकते हो, सब फील्ड ऑफ ई, थीटा ऑफ जी क्या बनेगा, गैलवा ग्रुप ऑफ ई बाई जी बनेगा, इट इज गिवन दैट E is normal extension of F। अब एक बात देखो कि ये जो G है ये भी एक सब फील्ड है, बट ये कंटेनिंग F है, तो F F से बड़ा G और G से बड़ा E होगा, F F से बड़ा G, G से बड़ा E। पॉइंट इज वन, ई इज फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। नंबर दो, जी इज इंटर मीडिएट फील्ड, हमने थ्योरम करा रखी है आपको कि दिस इंप्लाइज दैट जी सॉरी ई इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एल जी, ये थ्योरम हमने करा रखी है, इस थ्योरम का हम यूज करना चाह रहे हैं। थ्योरम के यूज से हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि ई इज आल्सो
नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ जी। अब आपके पास ये हो आएगा क्वेश्चन कि नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करने से हमारे को फायदा क्या होगा। मैं आपको सारी बातों को यहां डिटेल से बोलता हूं कि नॉर्मल एक्सटेंशन से हमें फायदा क्या होगा। देखिए ये जो ई से एफ एक्सटेंशन थी ना, ये नॉर्मल के साथ साथ फाइनाइट थी, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक फाइनाइट एक्सटेंशन थी और एफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, जीरो। ई ओवर एफ इज ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन, फाइनाइट भी है और नॉर्मल एक्सटेंशन भी है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखो। ई ओवर जी का क्या, ई पहले इसकी बात करते हैं, एफ की करेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो। तो ये अब ये सारी बातें मिलकर हमें क्या इशारा करती हैं वो देख लीजिए। ये इशारा करती हैं कि ये ई इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ ये जो है ये हमारी गैलुआ एक्सटेंशन होनी चाहिए। गैलुआ एक्सटेंशन मतलब इसकी जो फिक्स फील्ड होगी, फिक्स्ड फील्ड ऑफ दिस ग्रुप इज ई एफ। अब इसका यूज करो, ये भी नॉर्मल एक्सटेंशन है। आपको एक बता दूं, नॉर्मल के साथ साथ देखो ये एक्सटेंशन फाइनाइट है तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं यहां लिख देता हूं, ये एक्सटेंशन फाइनाइट है, इंप्लाइज ये एक्सटेंशन भी फाइनाइट होगी। तो सेम वर्डिंग जो यहां लिखी है, E ओवर F की बजाय E ओवर G इज ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन। तो E इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ G इफ एंड ओनली इफ दिस गैलुआ ग्रुप, ये दिस इज ए गैलुआ एक्सटेंशन। इसका मतलब है इसकी जो फिक्स फील्ड होगी वो जी होगी। तो हमें दो बातें मिल गई कि इसकी फिक्स फील्ड क्या है, भाई इसकी फिक्स फील्ड एफ और इसकी फिक्स फील्ड जी। ओके, इसकी फिक्स फील्ड जी होगी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा क्या होगा वो फायदा देखिए, थीटा जी क्या आया था हमारे पास, थीटा जी जो कि हमारे पास ये आ चुका है, फाई ऑफ थीटा जी इसको इसकी फिक्स फील्ड में जाना है, जो कि क्या होगी अभी बताया गया, क्या होगी फिक्स फील्ड, दैट इज जी। ऑलरेडी अभी प्रूव किया कि इसकी फिक्स फील्ड क्या होगी, जी होगी। फिर फाई का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ फाई हियर। फाई जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी उसका मेन एम था कि एक सब ग्रुप उठाओ, वो सब ग्रुप उसकी फिक्स फील्ड
को मैप करना है। तो इसकी फिक्स फील्ड आपने अभी कही है जी है। तो क्या अप्रूव हो गया जी, लगभग रिजल्ट आ चुका है। फाई थीटा जी इज इक्वल टू जी, इसकी वैल्यू रखे तो फाई गैल व ग्रुप ऑफ ई बाई जी जी होगा। ये जाता कहाँ है, ई गैलवा जो प्रूव करना था आपको, ये फाई इसमें जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी। इससे हम एक कंक्लूजन पेपर पूछे हैं कि सो वी कंक्लूड दैट कि थीटा एंड फाई आर इनवर्सिज ऑफ ईच अदर। इस बात का यूज हम बचे हुए तीन पार्ट के लिए करेंगे। दो पार्ट हमारे इस थ्योरम के हो गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट के लिए ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, सेकंड पार्ट के लिए ये कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए क्या कंसेप्ट लगेंगे वे हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे।